सीरियल जिद्दी दिल माने नामे आ गया है शॉकिंग ट्विस्ट वाला ड्रामा जहां मुनामी और सिद्धार्थ को मिली है एकेडमी में पनिशमेंट। तुम्हारे को अपनी गलती का एहसास हुआ? दरअसल एक तरफ जहां कोयल है एकेडमी की सदस्य, लेकिन उसका पति अभय उसे लेकर जाता है अपने साथ और उसके साथ करता है टॉर्चर। जिसके बाद मुनामी और सिद करते हैं फैसला कि हमें कोयल की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन ये बात करण को है नागवारा और करण ने मुनामी और सिद को इस बात के लिए दी है पनिशमेंट। सिद इसलिए एजिटेटेड हो जाता है ये सुन के कि यू नो हमें क्यों ये बंदूक चलाना सिखाया जा रहा है, जब हम एक छोटी सी चीज़ जो हमारे बीच हमारी सोसाइटी में हो रही है उसके लिए आवाज़ नहीं उठा पा रहे, हम एक लड़की को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो आई थिंक मुनामी और सिद कमिंग फ्रॉम द प्लेस ऑफ वरी एंड दे आर ट्रबल्ड विद दिस थॉट कि हम इस अकेडमी में जो ट्रेनिंग ले रहे हैं वो किस लिए ले रहे हैं जब हम किसी की हेल्प ही नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल करण के सामने सिड ने आवाज़ उठाई एंड बेसिकली अकेडमी के कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, ओबियसली वो ट्रेनर के सामने ऐसे सिड नहीं बोल सकता, बट वो एजिटेटेड था तो उसने बोला एंड करण का ऑब्वियस रिएक्शन था एंड उसने उसे पनिश किया एंड मुनामी ने भी फिर कुछ बोल दिया, तो फिर मुनामी को भी पनिशमेंट मिल गई इस बीच। सिड और मुनामी वेट कर रहे कि एक मौका मिले और किसी ना किसी तरह से कुछ तो करना पड़ेगा जिससे कि वो कोयल का कि हाल चाल पूछ पाए, एटलीस्ट वो कैसी है, क्या कर रही है। वेल, अब देखना दिलचस्प होगा कि मुनामी और सिड इस पनिशमेंट के बाद भी करेंगे कोयल की मदद या फिर सीरियल की कहानी में आएगा कौन सा नया मोड़, ये देखना दिलचस्प होगा।